हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला नो बीमार थे तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नो तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए और जा करके कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि खजाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला नो उठ के बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे, मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा, जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है, जो सूरत वाकया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता, मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे, मैंने सूरत वाकया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया, जो सूरत वाकया पढ़े उसे फाका नहीं।